दोस्तों आज की एजेंडा में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स और उनसे रिलेटेड लीडिंग केस लॉज को तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला मैक्सिम है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स मतलब द लॉ डज नॉट टेक ट्रिफल्स इनटू अकाउंट यह ट्रिफल्स का मतलब मामूली सी एक्ट और अमिशन तो द लॉ कोई भी मामूली सी बात या फिर एक्ट को तवज्जो नहीं देती हम अलग तरीके से बोल सकते हैं ट्रिफिलिंग एक्ट्स डो नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस आई के चैप्टर फोर जनरल एक्सेप्शंस के अंडर सेक्शन नाइन्टी फाइव इसी मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है और इस लीगल मैक्सिम से मिलता जुलता लीडिंग केस लॉ है कोवर्ट वर्सेस बैडीले 1859। दूसरा मैक्सिम नीमो मोरिटूरस प्रेजोमीटर मेटाइरी मतलब ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ इन हिज माउथ और ए डाइंग मैन कैन नेवर स्पीक फॉल्सहुड यानी एक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन थर्टी टू सबसेक्शन ऑन के अंदर जो डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट दी हुई है वो इसी मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है और इस लीगल मैक्सिम से मिलता जुलता लैंडमार्क केस लॉ है कुंडुला बाला सुब्रमण्यम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेनसिट रिया मतलब देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट ए गिल्टी माइंड यानी एक क्राइम कॉमिट करने के लिए गिल्टी माइंड होना जरूरी है इस लीगल मैक्सिम से मिलता जुलता लीडिंग केस लॉज है रेजिना वर्सेस फल्कनर 1877 एंड ब्रेंट वर्सेस वुड 1946 रेस इप्सा लुकटर मतलब द थिंग स्पीक्स फॉर इट्सल्फ इस, 1863, मतलब, देर 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 इस लीगल मैक्सिम से मिलता जुलता लीडिंग केस लॉज है बायरेनी वर्सेस बायरनी 1863 एंड म्यूनिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभाग ओबी जस ईबी रेमेडियम मतलब वेयर देर इज ए राइट देर इज ए रेमेडी इस लीगल मैक्सिम से मिलता जुलता लीडिंग केस लॉज है लियो फेस्ट वर्सेज योंग एंड सरदार अमरजीत सिंह कलरा वर्सेज प्रमोद गुप्ता अदर्स इंजूरिया साइन डैमनाम मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज लीडिंग केस लॉ एसवी वर्सेस व्हाइट डैमनाम साइन इंजूरिया मतलब डैमेज विदाउट लीगल इंज्यूरी और डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट लीडिंग केस लॉ ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस फोर्टीन हंड्रेड एंड टेन निमोजुडेक्स इन कॉजा सुआ मतलब नो मैन सेल बी ए जज इन हिज ओन कॉज इस मैक्सिम को फॉर द फर्स्ट टाइम लॉर्ड एडवर्ड कोक ने स्टेट किया था इन द लीडिंग केस थोमस वर्सेस कॉलेज ऑफ फिजिशियंस 1610 कॉमनली नोन एज बोनहम्स केस कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी मतलब ही डज एन एक्ट थ्रू एनादा इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ और स लॉ एमपेपल्ला अली भाई नाइन एंड थर्टी ऑडी अल्टेरम पार्टेम मतलब हियर द आदर साइड और नोमैन शुड बी कंडेम्ब अनहार्ट लीडिंग केस लॉ मनेका गांधी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक वर्सेज ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयीज फेडरेशन यहाँ पे दो सिमिलर टाइप के लीगल मैक्सिम्स जिनका मीनिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है फर्स्ट एक्स डोलो मेलो नॉन ऑडिटर एक्टिव हो मतलब ए राइट ऑफ एक्शन कैन नॉट अराइज आउट ऑफ फ्रॉड एंड सेकेंड एक्स टोरपी कॉज़ा नॉन ऑडिटर एक्टिव हो मतलब नो एक्शन लाइज ऑन एन इमोरल और इलीगल एक्ट तो दोनों के लिए आप एक ही लीडिंग केस को याद रखिए हॉलमैन वर्सेज जॉनसन सेवनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग